बहुत सारे स्टूडेंट्स रात को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन रात को पढ़ने में प्रॉब्लम्स भी है। पहली प्रॉब्लम है, जैसे ही आपने किताब उठाई आपको नींद आने लग जाती है। और मोबाइल एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो रात को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फेलियर में। देयरफॉर अगर आपने रात में पढ़ना है तो कुछ टिप्स आप ध्यान में रखिए, अगर आपने ये एग्जाम यूपीएससी का क्लियर करना है या जिंदगी में कहीं पे भी कामयाब होना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ कि मोबाइल फोन काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन प्ले करते हैं, इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ, जब आप रात को थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप रिलैक्स होने की कोशिश करते हो, आप रील्स देखने लग जाते हो और पता ही नहीं लगता कब पूरे की पूरी रात निकल गई और आपके सोने का टाइम भी हो गया। तो दोस्तों, एक चीज में हमेशा ध्यान में रखना, जैसे एक हैबिट होती है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे एक हैबिट होती है कि आप सुबह उठने के लिए आपने अलार्म लगा लिया और जैसे ही अलार्म बजा तो आपके माइंड को एक इंडिकेशन जाता है कि आप उठने का टाइम हो गया है। लेकिन अगर आपने वहां पे 2-3 सेकंड में ये डिसीजन ले लिया कि मैं यार 10 मिनट और सो जाता हूँ, 10 मिनट बाद उठ जाता हूँ, तो वो 10 मिनट आपके कब 2 से 3 घंटे हो जाएंगे आपको भी पता लगेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब इतना हुआ, आपके माइंड ने 2-3-4-5 सेकंड में डिसीजन लेना है कि मैंने उठना है या मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी और 2 घंटे अपने खराब कर लिया। सेम इज द केस विद योर मोबाइल फोन ऑल्सो। जैसे ही आप मोबाइल फोन में अपने कोई क्लास देख रहे हो, कुछ रिवाइज कर रहे हो और उसके बाद में जैसे कोई रील्स आई, तो आपको 2-3-4-5 सेकंड में डिसाइड करना है कि क्या मैंने रील्स देखना है या जैसे रील्स आई मैंने फोन उठा के साइड में कर देना है। अगर आपने विद इन 5 सेकंड से अपने माइंड में डिसीजन ले लिया कि मैंने फोन साइड में कर देना है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो मोबाइल आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो 5-7 सेकंड हो गए डिसीजन लेते हुए, तो आपको जो नेगेटिव माइंड है ना, यार मजे कर लेते हैं, यार कल पढ़ लूंगा, ये चीज जैसे ही आपने अपने दिमाग को मौका दिया सोचने का, पता ही नहीं लगेगा कब 2-3 घंटे निकल गए और आपने जो डिसाइड किया था, अपना टारगेट फिक्स किया था कि रात में ये पढ़ के खत्म करके सोऊंगा, वो कब टारगेट मिस हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। सेकेंड इज, आपको नींद बहुत आती है रात को, बिकॉज भगवान ने रात सोने के लिए ही बनाई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबका अपना अपना टाइम टेबल है, इसलिए नींद आती है, बिकॉज हमें लगता है कि यार पढ़ाई कंपेरेटिवली बोर्डम है, हम पढ़ाई को बोझ मानने लग जाते हैं, इसको एंजॉय नहीं करते। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भी दोस्त आपको फोन पे भी, चलो ठीक है आज रात को बात करती है, रात को 12-1 बजे, पता ही नहीं लगे आपको कब 2 घंटे निकल गए, या किसी दोस्त ने फोन कर दिया, चलो यार 11 बजे चलो पबजी खेलते हैं, आप भी अपना फोन ऑन करो, हम भी अपना इधर से चलाते हैं, कब 2 घंटे निकल जाएंगे, 3 घंटे आप गेम खेलते हुए निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, और तब आपको नींद भी नहीं आ रही होगी। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप उस गेम को बहुत इंजॉय कर रहे होते हो और पढ़ाई को आप एज अ बर्डन मान रहे होते हो। जिस समय आप अपनी पढ़ाई को भी इंजॉय करने लग जाओगे और जो फोन आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है उसको खत्म कर दोगे, आपका नाइट में पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं बिल्कुल पीसफुली पढ़ना चाहता हूँ, वो डेफिनेटली फुलफिल हो पाएगा।